दोस्तों, हमारे जीवन में एक बहुत उपयोगी शब्द है संतुलन, यानी बैलेंस। जो कुछ भी सुचारू रूप से चल रहा है उसके जड़ में संतुलन है। हमारे जीवन की हर एक स्थिति परिस्थिति में संतुलन का ही समावेश है। सोचिए, यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लें तो हम बीमार पड़ सकते हैं, और ज़रूरत से कम खाएं तो भी बीमार पड़ सकते हैं। अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन ही संतुलन पर टिका है, और केवल हमारा जीवन ही नहीं, सारा ब्रह्मांड संतुलन की स्थिति में टिका हुआ है। हमारी सफलता और असफलता भी इसी पर टिकी हुई है। बात चल रही है केवल हमारी सफलता और असफलता पर, तो हम असफल क्यों होते हैं? कई बार हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, ओवर कैलकुलेशन में लग जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपना काम कंटिन्यू रखना ज़रूरी होता है। बुरी परिस्थितियों को देखकर हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाता है, बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन हम यदि अपना कार्य उसी तरह से करते चले जाएं, ओवरथिंकिंग में ना पड़ें, तो हम जल्दी ही परिस्थितियों पर काबू कर पाएंगे। बिगड़ती परिस्थितियाँ एक कमज़ोर बात की तरह होती हैं, जो एक तरफ संभालो तो दूसरी तरफ बिगड़ने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न केवल एक है, हमने संतुलन पर ध्यान नहीं दिया, हमने कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। अपना काम छोड़कर हम नकारे की स्थिति को ज़्यादा पसंद करने लगे। दरअसल हमारे पूरे जीवन में दो बातें हैं जिन्हें संतुलन में रखना ज़रूरी है, पहला कर्म तो दूसरा जीने का आनंद। कई लोग पूरी ज़िंदगी कर्म करते रह जाते हैं, लेकिन जीवन क्या है, कितना आनंददायी है, ये इस बात को समझ नहीं पाते। और कई लोग ऐसे हैं जो जीवन का आनंद उठाने के चक्कर में अपने कार्यों को दरकिनार कर देते हैं, अपने प्रयासों का गला घोट देते हैं, फलस्वरूप वे भी जीवन के आनंद को समझ नहीं पाते। ये दोनों पलड़े हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। संतुलन तो ये है कि हम दोनों को सही मात्रा में रखें। महात्मा बुद्ध का पूरा दर्शन इसी संतुलन शब्द पर ही ठहर गया, इसे ही सम्यक मार्ग कहा गया है। एक दिन गौतम बुद्ध नदी के किनारे ध्यान में बैठे हुए थे, इस बात से प्रतिज्ञाबद्ध थे कि जब तक उनको ज्ञान न मिलेगा वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। उन्हें कई दिन हो गए, उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, लेकिन उन्हें ज्ञान का साक्षात्कार करना था। एक दिन कुछ स्त्रियां वहां से एक गीत गाते हुए गुजर रही थीं, वीणा के तारों को ढीला न छोड़ो नहीं तो वे नहीं बजेंगे, वीणा के तारों को ज़्यादा न कसो नहीं तो वे टूट जाएंगे। गौतम बुद्ध के कानों में ये गीत सुनाई दिए, अचानक उनके हृदय में ये ज्ञान आ गया, सम्यक मार्ग, संतुलन का मार्ग। अब उनके लिए कुछ जानना शेष नहीं बचा था। एक युवती ने उन्हें खीर चढ़ाया तो उन्होंने लेकर खीर खाए। हम अपने जीवन में दूसरों को दोष देते हैं, अपनी असफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन उसका वास्तविक कारण हमने अपने संतुलन की स्थिति से छेड़छाड़ किया है। जो काम हमें करने चाहिए उनको नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, जिससे संतुलन बिगड़ा और बुरी परिस्थितियां हमारे सामने आ गई। हमारा जीवन बिगड़ा इसलिए कि हम अपने जीवन में संतुलन शब्द को नहीं समझ सके। हमें कार्यशील होना और प्रसन्न रहना दोनों अत्यंत जरूरी है। जीवन का संतुलन मार्ग यही है, जीवन का सम्यक मार्ग यही है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।